राजू की तबीयत खराब हो गई, क्या हो गया? बुखार आ गया? चलिए गाइस, मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय। हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू मैनी व्लॉग। सो गाइस, आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा तो मैंने यहीं पर ही उसको एंड किया था, यानी जो मेरा हल्द्वानी से लेकर नैनीताल तक का व्लॉग था। सो गाइस, मेरा दूसरा पार्ट है उसका, ये हो सकता है मैं इसके बाद डाल दूं या फिर कभी बैकअप के लिए। तो चलते गाइस फिलहाल यहां से हल्द्वानी के लिए। तो ये मेरे सामने मेरी स्कूटी खड़ी है। सो चलिए गाइस, चलते हैं हल्द्वानी के लिए। फिलहाल गाइस मेरे जो ग्लव्स हैं वो मेरी स्कूटी की डिग्गी में ही है, क्योंकि इतना ठंडा मुझे लग नहीं रहा फिलहाल, लेकिन आगे जाके लग सकता है मुझे ठंडा, नो डाउट, क्योंकि वैसे ठंडा लगने लगे, लेकिन ड्राइविंग करने में तो ठंडा लगता ही है। और गाइस फिलहाल मुझे लग रही है भूख, तो यहाँ पर तल्ली ताल में एक वो बनाता है आलू रोल, मतलब डबल आलू रोल, सिंगल आलू रोल, और भी चीज़ें बनाता है, मतलब वो पराठे में से लपेट करके देता है, तो 50-60 रुपये का होता है वो, मतलब ठीक है, मतलब पेट भरने लायक है। और एक छोटी सी कोल्ड ड्रिंक ले लूँगा 20 रुपये वाली, और कहीं बैठ के खाएंगे आराम से। तो फिलहाल चलते हैं। और ये आप देखिए गाइस, ये है माल रोड, बहुत सुंदर नज़ारा, आप सामने देखिए कितनी प्यारी लेक चमक रही है बिल्कुल सूरज की रोशनी से। और गाइस वही है, मैंने बताया था आपको पहले पार्ट में इसके अपने व्लॉग के, कि माइक ना होने की वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही होगी आप लोगों को, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी शायद। सो गाइस मुझे तो एडिटिंग के वक्त पता चलेगा कि जो मेरी वॉइस है वो साफ आ रही है नहीं आ रही है। तो चलिए चलते फिलहाल। गाइस यहाँ पर है काठी जंक्शन, खुला है या बंद है? चलिए गाइस खुला है। मुझे सिंगल आलू बना दो, एक पैक कर देना सिंगल आलू रोल। कितने? एक एक 60 रुपये। चलिए गाइस, तो हमारा रोल पैक हो गया, इसको डालते हैं स्कूटी की डिक्की में। तो चलिए गाइस कहीं बैठ के खाएंगे आराम से धूप में, मतलब गाइस धूप में खाने का मज़ा कुछ और ही है। तो गाइस फिलहाल मैं देख रहा हूँ कोई दुकान जहाँ से मुझे स्प्राइट वगैरह मिल जाए, क्योंकि स्प्राइट थोड़ा ठीक रहती है डाइजेस्ट करने के लिए। तो कहाँ मिलेगी देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ तो मिली जाएगी। वैसे स्प्राइट देना 20 वाली, कोक ड्यू कोक दे दो चलिए। चलिए तो इसकी देखते हैं इसमें, अब चलते हैं। तो बड़ी ऐसी जगह देखते हैं जहाँ बैठ करके मैं अपना रोल एंजॉय कर सकूँ और साथ में कोक पी सकूँ। सो गाइस यहाँ पर मुझे कुछ जगह दिखाई दे रही है बैठने के लिए, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि यहाँ बैठूँ या नहीं बैठूँ। जगह तो बहुत सारी गाइस, मैं कहीं बैठ सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी क्या है। और यहाँ से गाइस व्यू देखिए नीचे का, वाओ क्या व्यू नज़र आ रहा है, बिल्कुल गजब का एकदम। सो इससे नीचे वाला जो बैंड आएगा ना, वहाँ लगाऊंगा गाड़ी और वहीं खाएंगे अपना आलू रोल और साथ ही पियेंगे कोक। हाँ जी गाइस, सो ये जगह बढ़िया है आराम से बैठ के खाने की, तो यहीं से साइड में लगाते हैं स्कूटी, निकालते हैं अपने रोल और अपनी कोक। तो चलिए गाइस चलते फिर यहाँ से, रोल खा लिया है, कोल्ड ड्रिंक पी ली है, अब पेट भर भर सा गया है। सो चलते हम। You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like give me time, the conversation changes and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic and that I caught you like that. Turn it on, turn it off. Can't tell if I love you right back, but you love me.
से फ़ोन आया मम्मी जी का कि ग्रंथ की तबीयत ख़राब हो रही है, उसको हॉस्पिटल दिखाना है। तो 2 बजे तक डॉक्टर बैठता बोल रहे हैं, तो मुझे फटाफट से घर पहुँचना है गाइस। अभी फ़िलहाल मैं भुजा घाटी पहुँचा हूँ, तो 2 बजे तक डॉक्टर बैठते हैं, तो देखते कब तक मैं पहुँच पाता हूँ, कहीं डॉक्टर उठना जाए उससे पहले। तो जितना हो सके उतना जल्दी पहुँचते घर। छोड़ दूँ घर तक? आ जाओ, आजा, आ गया तू, आ गया। आई सारा चलो, मैंने भाभी जी को फ़ोन किया कि मैंने कहा गुन्नू की छुट्टी हो गई, मैं लेके आऊँ क्या? तो उन्होंने कहा वो लेने चले गए उनको। मैंने कहा अच्छा, चलिए जी। फाइनली गाइस पहुँच गए, आधे घंटे में जो है नैनीताल से लेके हल्द्वानी तक का सफ़र तय कर दिया मैंने आज। ये देखो कौन है। चाचू की तबीयत खराब हो गई, क्या हो गया? बुखार आ गया। चलिए गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ माना इस पे ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। तो पानी पियो। सो गाइस टाइम हो रहा है लगभग 5। सो गाइस खाना वाना खा के मैं ऊपर आ गया था, तो चलते हैं अभी। फिलहाल मुझे जाना अभी हॉस्पिटल चाचू को लेकर के, उसकी तबीयत ख़राब है, तो चले हनी। और देखो मेरा बैग भारी टंगा हुआ, इसको भूल गया भारी। हाँ नहीं क्या हुआ? तो बेटा क्या सोच रही है ना कि मैं तेरे को घुमाऊँगा, तो सॉरी बेटा नहीं घुमा सकता, मैं जा रहा हूँ ना अभी चाचू को लेकर के, इसीलिए ठीक है। चले गए चलते हनी, हम जा रहे ठीक है, बाय बाय हनी, सी यू। चाचू की तबीयत खराब होगी ना? क्या हुआ चाचू को? बुखार हो गया ना हनी? ए चल अंदर, ए हनी ये बदतमीज हो गई आजकल। रुको भाभी जी, हनी इतना ही रो ले, स्कूटी में ही जाना पड़ेगा, ले पकड़ो इसको। चल लीजिए सोच। चलिए गाइस पहुंच गए हम लोग हॉस्पिटल। सो गाइस फिलहाल अभी 5:30 हो रहा है, सो डॉक्टर साहब आएंगे 6 बजे, तब तक मैं एक दो काम निपटा के आता हूँ अपने। तो चलिए गाइस एक काम था मेरा लाल डाट में, वो तो हो गया है। अब दूसरा काम मेरा ये है कि मुझे लेकर के आना इंडक्शन, वो जाना पड़ेगा उसके लिए मुझे मार्केट। सो कहाँ से निकलना चाहिए? यहीं से निकल जाते हैं कुंजीवाल जी के वहाँ से। सो गाइज मैं अभी आपको लेके जाने वाला हूँ हल्द्वानी की सबसे दुबली पतली गली, मतलब इस गली से सिर्फ एक बाइक निकल सकती है, अगर सामने से कोई आ रहा होगा तो उसका निकलना मुश्किल है। ये देखिए गाइज कितनी पतली सी गली बाई गॉड। लेकिन गाइज ये जो गली है ना सीधे निकालती है हमको मेन रोड में, स्कूटी के आगे बाइक लगा दी हमने। अंकल जी ने बताया बंद है, तो अंकल जी यहाँ से जा रहे हैं, तो हम भी इनके पीछे पीछे निकल जाते हैं। क्या पता इनको कोई रास्ता पता हो, मेरे को तो नहीं पता भाई यहाँ का रास्ता होगा। ये दूसरा, ये अंकल जी लग रहे हैं कोई एक्सपीरियंस होल्डर वाले। अंकल जी के पीछे पीछे निकल जाते हैं, देखते हैं अंकल जी कहाँ लेके जा रहे हैं। कहीं अंकल जी अपने घर लेके तो जा रहे कहीं? अरे वाह अंकल जी बड़ी सही जगह ले आए, हिल्ट्रॉन वाली रोड में। अरे वाह थैंक यू अंकल जी। सो गाइस भाभी जी का फ़ोन आया अभी कि ग्रंथ को दिखा दिया डॉक्टर को, तो यार फटाफट से इंडक्शन लेकर के आते हैं फिर हम। सो चले गाइस लाइन नंबर 1 में पहुँच गया इमरान भाई के पास, डॉक्टर इमरान, हमारा इंडक्शन लेने के लिए। इंडक्शन तो हमारा सामने रखा हुआ है, लेकिन भाई साहब नहीं है दुकान में। सामने से दुकान आवाज़ आ गई कि अभी आ रहे हैं। सो गाइस इंडक्शन ले लिया मैंने, जो ठीक नहीं हो पाया। अब गाइस भाभी जी और ग्रंथ मेरा वेट कर रहे हैं वहाँ हॉस्पिटल में, फटाफट से पहुँचते हैं। बताओ यार कैसे लोग हैं पता नहीं यार, हैं सामने खड़ी गाड़ी लगा। गाइस फाइनली इतने लंबे चौड़े जाम से निपटने के बाद मैं पहुँच गया कपिल कॉम्प्लेक्स। अरे वाह ये तो डॉक्टर को दिखा दे ठीक हो गया, चल के आ रहे। तो
फाइनली पहुंच गया रूम में और चेंज वेंज कर लिया है। सो गाइज अभी जस्ट हम गए थे हॉस्पिटल ग्रंथ को लेकर के, तो डॉक्टर ने बोला कि सब कुछ ठीक है, मतलब बच्चों को आजकल वायरल चल ही रहा है तो ज्यादा मोटे कपड़े पहनाने के लिए मना किया उसको, क्योंकि आजकल गर्मी भी हो रही है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है। और गाइज मैं आज नैनीताल गया था तो आपने देखा बाई गॉड कितना खतरनाक मौसम, मतलब पहला जो मेरा ब्लॉग था गाइज वो था हल्द्वानी टू नैनीताल, और जो उसका सेकंड पार्ट ये वाला है ये नैनीताल से लेकर हल्द्वानी तक के लिए, बाई गॉड सच में गाइज इतना गर्म नैनीताल में पॉसिबल ही नहीं है, वो भी फरवरी के टाइम में, मतलब इस टाइम पे वहाँ बर्फ पड़नी चाहिए, ठंडा होना चाहिए, लेकिन इस टाइम में वहाँ गंदी वाली धूप निकली हुई थी। तो कह सकते हैं गाइस कि इस बार गर्म बहुत गजब का होने वाला है। तो गाइस यही था मेरे व्लॉग का सेकंड पार्ट, जो उम्मीद करूंगा आप सब लोग पसंद करेंगे। ये थोड़ा सा लेट आया तो मर भी जाता हूँ, तो इसको आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं आपसे एक नए और बेहतरीन व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वो तो मैं एडिटिंग के वक्त ही बता पाऊंगा, वो तो गाइस मैं एडिटिंग के वक्त ही बता पाऊंगा कि अब मेरी ब्लॉग्स, वो तो गाइस मुझे तो गाइस क्या कर रहा है यार तू अभिषेक, सही से ब्लॉग बना लेना, एक ही बात को इतनी बार बोल रहा है।